ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कल से, भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना क्यूबा। तालिबान सरकार की तैयारी, अफगानिस्तान में सरकार बनाने पर समारोह में शामिल होंगे 6 देश, पाकिस्तान और ईरान को भी बुलावा। अफगानिस्तान में अब पर्दे में पढ़ाई, लड़कियां बुर्का पहनकर स्कूल जाएंगी, क्लास में भी लगेगा पर्दा ताकि लड़के लड़कियां एक दूसरे को न देख सकें। पुणे में नाबालिग से हवानियत, सड़क किनारे खड़ी 14 साल की बच्ची को ऑटो रिक्शा में उठा ले गए 8 दरिंदे, फ्लैट में ले जाकर किया गैंगरेप, 7 हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में प्रमोशन का आरक्षण का मामला, 14 सितंबर को आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 5 साल से बैकलॉग के खाली पदों को कैरी फॉरवर्ड करने पर लगी है रोक। एक दिन में डेंगू के 8 नए मरीज, इंदौर में मरीजों की संख्या 86 पहुंची, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंताएं। ग्वालियर में ट्रिपल मर्डर मामला, ब्याज के धंधे के पन्नों में छिपा है परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का राज, लेकिन वह पन्ना गायब है, अब कर्जदारों की है तलाश। संजय गांधी में 3 लोगों ने तोड़ा दम, सड़क हादसे में घायल 2 युवकों ने गवाई जान, आग में झुलसी नवविवाहिता की संजय गांधी अस्पताल में हुई मौत। सतना और पन्ना पुलिस की कार्रवाई, ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़े गए शामली उत्तर प्रदेश के बावरिया गैंग के चेन लुटेरे, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार।